हेलो भाई नमस्कार, मेरा नाम है विश्व जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे कॉन रेडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फेसलिफ्टेड XUV 300 के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो के टॉपिक के साथ चलते हैं, बात कर लेते हैं। पहले तो ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, 4 से 5 बात करेंगे इसके लॉन्च डेट, स्पाई शॉट्स उसके बारे में, फिर एक्सटीरियर इंटीरियर एंड इंजन ऑप्शन एंड फीचर्स न्यू एडेड के भी बात करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं जो आपके लॉन्च डेट एंड स्पाई शॉट। तो ये गाड़ी एक्सपेक्टेड है जनवरी 2023 यानी नेक्स्ट ईयर के जो फर्स्ट मंथ है जनवरी तब लॉन्च होगी। एंड इसके अंदर स्पाई शॉट भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस वीडियो में जो है प्रोबेबली ओल्ड वीडियोज ही देखने को मिलेंगे XUV 300 के। करंटली अवेलेबल स्पाई शॉट्स थे वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे करंटली देख रहे होंगे। बात कर लेते हैं तो ये गाड़ी 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी एंड ये आपको जल्दी एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट के साथ देखने को मिलेंगी। इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस कम होंगे एंड मैकेनिकल चेंजेस ज़्यादा होंगे एंड न्यू फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है उसके अंदर माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर देखो अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जो अंदाजे से बता सकते हैं स्पाई शॉट्स के कि न्यू फ्रंट ग्रिल, रीस्टाइल्ड हेडलैम्प एंड टेललाइट देखने को मिलेंगी, रीडिजाइन बम्पर देखने को मिलेंगे एंड डिफरेंट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पैनल्स जो है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, आप बोल सकते हैं अनटच्ड या अनचेंज देखने को मिलेंगे। इंटीरियर होगा वो जो अभी वाले XUV है वैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको न्यू अपोस्ट्री ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, न्यू फीचर जैसे कि आपको अपडेटेड टच इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड अपडेटेड कनेक्टेड कार टैग भी देखने को मिल सकता है। अभी हाल वाले जो XUV है वो 1.2 लीटर के पेट्रोल मोटर जो कि 110 PS की पावर एंड 200 NM का टॉर्क निकाल के देती है। सेकेंड 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि 117 PS की पावर एंड 300 NM का तगड़ा टॉर्क निकाल के देती है। ये 6 स्पीड के मैनुअल या 6 स्पीड के AMT ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिलती है। जो फेसलिफ्टेड वर्जन होगा उसके अंदर न्यू 1.2 लीटर का M स्टालियन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस करा गया था। ये मोटर 130 PS की पावर एंड 230 यानी 230 NM का पीक टॉर्क निकाल के देता है। अगर ये सेम इंजन ऑप्शन न्यू वाले XUV 300 के साथ लॉन्च हुआ तो अभी तक की अपनी सेगमेंट सबसे पावरफुल गाड़ी बन जाएगी। इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन XUV 300 का भी अंडर प्रोडक्शन में है जो कि आपको EXUV 300 या फिर XUV 400 के नाम से देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 2 बैटरी ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। ये एक डायरेक्टली राइवल होगी यानी टाटा नेक्सॉन EV से। बात कर लेते हैं तो जो आपकी पेट्रोल एंड डीजल वाले XUV 300 है उसकी करंट प्राइस 8.41 लाख से 14.07 लाख है एंड यहाँ पे जो फेसलिफ्टेड वर्जन होगा वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। इंडियन मार्केट्स के अंदर टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया सोनेट, निसान मैग्नेट जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। आपके क्या थॉट्स एंड व्यूज है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप फेसलिफ्टेड XUV 300 को बाय करना चाहेंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं। मैं अपने इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ, जैसे कि कार न्यूज, कार ड्राइव रिव्यूज एंड कार रिव्यूज। आपको कार रिव्यूज एंड ड्राइव रिव्यूज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको जानना है कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कैसे चलाते हैं तो उसके भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।